अब मेरे साइड मुड़ो, सो क्यूट। ये है किट्टी। जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग के लिए और मैम है, मेरी स्टाफ नहीं है। चूटी दिखाओ। और ये है क्यूटी क्यूटी मन्नू, जो कि आज बहुत ही क्यूट लग रही है। और मैम है साथ में, हेलो कर दीजिए मैम। मैम की कार में जाएंगे हम, और किट्टी और साक्षी भी है। हाँ चलो चले, चलो ले लेती हूँ। तो हमने टिकट्स ले लिए यहाँ से, चलो। क्या चीज़ है, किसको? तो हम पहुँच गए हैं आसन, आसन विराज। हाँ हाँ, तभी खाली नहीं होता कभी भी। हाँ यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हाँ खाली है। तो ये थोड़ा सा पौंटा से आगे को आके है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही पीसफुल जगह है ये। कहाँ है हम? क्या बोल रही है? बोले पानीपत है हम। पानीपत नहीं है ये, ये आसन विराज है। ये आसन विराज, वाव। आज आपका कैमरा बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, कौन कितना प्यारा लग रहा है यार, यहाँ बहुत अच्छी फोटो आएगी। हाय, क्या वो अच्छी दिख रहे हो आओ जल्दी। कैसा लगा मन्नू आपको? है मन्नू? अच्छा। सच सच बताना। अच्छा तो है ही नहीं, फिर कैसे लग गया? अच्छा, झूठे झूठे रिव्यू देते हो आप, है मन्ना? हाँ है ना, बच्चों को तो कुछ भी खिला। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी हूँ मन्नू के साथ झूला झूलने, और मन्नू के साथ मैं भी झूला झूलूंगी। चल मैं भी बैठती हूँ। गाइस हम आ चुके हैं झूला झूलने। हेलो कहते मन्नू। हेलो हेलो हनी बनी है। हनी बनी देखो तो क्या ये मन्नु वापस नहीं आ रही, नाम ही नहीं ले रही वापस आने का। तो मैं आ चुकी हूँ वापस, उसको वहीं पर छोड़कर। देखते हैं वो वापस आती है या नहीं। बाय मानवी। ओह माय गॉड, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो मेरे प्यारे साथियों? रुको जरा, मेरे लिए भी
तो अब लोग हम जा रहे हैं वापस, और ये देखिए पांवटा साहिब का गुरुद्वारा, आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ के, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। बाकी देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपने रूम पे, बट उससे पहले मन्नू बोलती है कि मुझे खानी है रसमलाई, तो इसलिए हम जा रहे हैं बीकानेर। टेस्टी है हाँ? चलो खा लो, ले लो। स्माइल करो, कैसी लगी? है? वो क्या होता है? वो होता है जो मोटा मोटा होता है, खाते हैं तो भगवान इनको अक्ल देना। किसको? आप। मेरे को अक्ल नहीं है क्या? खाती रहते हो। क्या खाया मैंने? क्या खाया मैंने बताना? आज तो मैंने खाया। हाँ तो इतना भर के तो आप खाते हो, भूख तो आपको लगी रहती है, फिर मेरा नाम क्यों ले रहे हो? क्या खाया मैंने बताओ? वीडियो में इतना आता है। किस में आता है? कुछ खाते रहते हो, खाते रहते हो। क्यों, न्यूज में आता है? न्यूज में आता है। तो मैं बना रही थी गिच्चे, जिसको पत्रोड़ू भी बोलते हैं, और ये है अरबी के पत्ते, और साथ में मैंने पेस्ट बनाया है बेसन का, उसमें सारे मसाले मिला दिए थे, और अब मैं अच्छे से इसमें जो है पेस्ट को अच्छे से लगाऊंगी, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। इसको हमने फोल्ड कर दिया और इस पर लगाया गया अच्छे से इसका पेस्ट। उसमें डाला है बेसन और मिर्ची, नमक, जीरा और हल्दी। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर इसमें पानी डाला, फिर अच्छे से मिक्स किया, और ये जो इसमें हरी हरी पत्तियां हैं ये धोली, इसके बनते हैं गिच्चे पहाड़ी डिश। तो ये कुछ ऐसे तरीके से बनते हैं सीडू मेकर के अंदर। अब ये इसके अंदर रखेंगे, ये जो है ना आगे ये बॉल इसके अंदर रखेंगे, देखो लग दिया। फिर इसको अच्छे से सीटने देंगे, मतलब उबालेंगे, फिर बन जाएंगे इसके घिच्चे अच्छे से, बहुत अच्छा बनाएंगे इसमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे, फिर क्या बन जाएगी वो घिच्चे। दीदी हमने ये तो तोड़ा ही नहीं, इसका पीछे का तो तोड़ा। तो ये डाला है इसमें एक और पत्ता, ये तीसरा पत्ता डाला है अभी, देखो बिल्कुल अच्छे से ये अच्छे से बन रहा है। इसे करेंगे फोल्ड ताकि हम इसे उबाल पाए, और अगर हम इसे ऐसा ही फैला हुआ रहने देंगे तो ये नहीं उबलेगा। अच्छे से फोल्ड रोल रोल करके और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे ऐसे करके कुछ, इसमें दोबारा पेस्ट लगा लेंगे, फिर दोबारा। यार इसमें वॉइस नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, मैंने 3-4 बार ट्राई कर दिया, अब पता नहीं क्यों वॉइस आती है कि नहीं। बट यहाँ पे मैंने जो है ये पकाने के लिए रख दिया, और ये सिर्फ 15-20 मिनट पकाने होते हैं, और देखिए ये बिल्कुल पक के तैयार है, और मैंने छोटे छोटे इसको कट कर दिया है, और यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, और अब मैं इसको फ्राई करूँगी सरसों के तेल में। ताकि यार ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है फ्राई करने के बाद, और मैं हमेशा ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बस फटाफट से मैं फ्राई कर लेती हूँ, और मैंने प्याज वगैरह कट करके रख दिया है, और साथ के साथ ही जो है मैं इसमें छौंका भी मारूँगी। तो और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है, जो ये सब्ज़ी जैसे हम बाकी सब्ज़ी में पानी डालते हैं तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डलता है। हाँ थोड़ा सा जब टमाटर पक जाएंगे थोड़ा सा तब डाल सकते हो, बाकी सब्ज़ी डालने के बाद नहीं डालना है, वरना ये फिर बेकार हो जाएगी। और लास्ट में इसमें जो है ऊपर से प्याज भी डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है,
और इसके बाद मुझे बनाने की चटनी, तो मैंने टमाटर लिए और टमाटर को मैंने हल्का सा फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद जो है ऊपर वाली जो इसकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, परत जो ऊपर से इसका छिलका है वो उतारना है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ ही जो है लाल मिर्च को भी गर्म पानी में डिप कर दिया था। तो बस ये निकालने के बाद, एक तो ये बहुत गर्म था, निकल भी नहीं रहा था, तो फटाफट से बस ये निकाल देती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ चटनी। इसमें अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक मिर्च मसाला जो भी वो डाल देना। और बस देखिए मेरी चटनी एकदम बनकर तैयार है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय। और ये टेस्टी ये चटनी